बाद हम जाएंगे बाहर, बाहर होगी डीजे नाइट और उसमें करेंगे एंजॉय। करंट कहाँ से अवेलेबल था मेरे को, तो डीजे नाइट तो ना बोलना उसको, डीजे नाइट जो नीड से बोल रहा है यार, स्पीकर नाइट। ठीक है फिर हो गया हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का भी पता नहीं लगेगा यार। वैसे तो इन्होंने स्काई शॉट चलाए हुए थे, अब क्यों बंद कर दिए? अब इनकी खत्म हो गए भाई, धोखा। जब जब हम कैमरा बंद करेंगे ना तब चलाएगा। अभी चलेगा, मैं कैमरा चालू के लेके खड़ा हूँ। क्या? अरे 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 अरे, उड़ा कौन उड़ा? नहीं तानू। अरे शिट। The next day. हाँ जी गाइज, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और आज है 1st of January. सो हैप्पी न्यू ईयर टू everyone. आई विश आपका जो न्यू ईयर हो वो अच्छे से जाए और मस्त। आप जो भी होता है क्या होता है, हमें यहाँ पर ट्रिम टॉप पर, हमने यहाँ पर रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया थोड़ा बहुत जो भी, और अब हम उठ चुके हैं। ये है यहाँ का व्यू भाई, और ये है यहाँ के लोग। ये चली है भाई, रात को यहाँ पे 100 से ज्यादा टेंट थे और इस टाइम सब खाली हो गए। कल की हमारी बात को भूल जाओगे, त्रियुंड जो है वो अच्छा ट्रैक नहीं है, जगह अच्छी है यार, यहाँ पर लोकेशन अच्छी है। बस कल हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। कोई इस ट्रैक के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि जो ट्रैक है ये सी लेवल से अराउंड 9300 फीट्स पर है। स्नोफॉल यूजुअली हो ही जाता है दिसंबर में या जनवरी में, बट इस साल अभी तक, न्यू ईयर हो चुका है आज 1st of January है, अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। बाकी ट्रैक ये बहुत ईजी ट्रैक है यार, ये मतलब सबसे ईजी ट्रैक माना जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, अगर बिगनर हो तो मस्त मज़े से आओ और यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, तो अपनी कैंपिंग कर सकते हो। बाकी जो इस ट्रैक के रूट की बात आती है, तो ये ट्रैक स्टार्ट होता है मैक्लोडगंज से और ये अराउंड 9 किलोमीटर्स का है। यहाँ पर आने के लिए आपको अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, जैसे चंडीगढ़ से, हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं, तो आप डायरेक्ट बस ले सकते हो धर्मशाला के लिए, और धर्मशाला से बस मिलती है मैक्लोडगंज के लिए। लॉर्डगंज से आप यहाँ पर ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, जो भालसुनाग वाला रास्ता है उधर से आओ और ऊपर को मस्त एकदम रास्ता है, तो आप ट्रैक शुरू कर सकते हो और यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हो। ये ज़्यादा लंबा ट्रैक भी नहीं है यार, ये ट्रैक जो है वो है 1 night 2 days का। टाइम यहाँ पर आने का ऐसा सच कुछ नहीं है, अगर आप लोग हिम्मत रखते हैं तो आप किसी भी सीज़न में आ सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो। बेस्ट पार्ट है इस ट्रैक की वो है कि ये एक बेस कैंप है बाकी ट्रैक्स का। तो यहाँ पर अगर आपने सुना हो तो यहाँ पर एक इंद्रहार पास है, आप उसको कर सकते हो, उसके लिए बेस कैंप है। यहाँ पर ऊपर एक लाका ग्लेशियर्स है और स्नो लाइन है, और जो 7 lakes हैं वो भी यहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। जब हम त्रियुंड से निकल रहे हैं ऊपर के लिए, क्या नाम है, स्नो लाइन के लिए निकल रहे हैं, और टाइम हो चुका है आई गेस 12:15 हो गए। देखते हैं अब हमें कितना टाइम लगता है ऊपर के लिए और हम कब तक पहुंचते हैं। यहाँ का जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था यार, और आई एम प्रिटी श्योर कि ऊपर का भी अच्छा होगा। तो कल का जो स्टार्टिंग का थोड़ी बहुत भसड़ हुई थी, उसके बाद तो यार इट इज़ गोइंग अमेजिंग यार। क्या ये हमारे साथ ऊपर तक जाएगा? मस्त है नज़ारा यार, वाह अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखते हुए चलते हुए। और ऐसा भी नहीं कि ख़राब है चलने के लिए, आसानी से चल सकता है कोई भी, आसान है रास्ता। वो देखो यार साफ साफ,
हैप्पी न्यू ईयर भाई जी। कितना इससे आगे स्नो लाइन? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। अच्छा टॉप है, त्रिउंड का टॉप इससे ऊपर है आगे। अच्छा अच्छा, तो गाइज हमारे साथ धोखा हो गया है। जहाँ पर कल हम रुके थे वो एक कैंपिंग साइट थी और वो त्रिउंड का एक्चुअल टॉप नहीं था। त्रिउंड का एक्चुअल टॉप यहाँ से ऊपर है थोड़ा सा, ये कह रहे कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा सा ऊपर है। तो चल तो हम पहुँच चुके हैं त्रिउंड टॉप पर और ये देखो, वेलकम टू त्रिउंड। ऑल्टीट्यूड है 2875 मीटर्स, सो अप्रॉक्सीमेटली हो गया ये 9000 कुछ, 9350 मीटर्स था जो मैंने ऑनलाइन चेक किया था नेट पर। हाँ ठीक है यार, यहाँ पर नज़ारा तो मस्त है। हम रात को नीचे रुके थे तो हमने सोचा वो है हिल टॉप या त्रिउंड का टॉप, बट नहीं ये है और ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मज़ा आ गया। कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट यार, अब यहाँ पर काफ़ी देर हो गई हमें चलते हुए। अब यहाँ से शायद 20 मिनट का रास्ता बचा है स्नो लाइन के लिए, तो स्नो लाइन तो हम पहुँचने वाले हैं। भाई अब हम पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ पर व्यू हो गए बेहिसाब खतरनाक सेक्सी। देखो यार उफ, गजब 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 यार गजब। दिखाता हूँ यार फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ, है ना इतने नज़दीक से। ये धौलाधार रेंजेस और वाह क्या मस्त है। हम जाएंगे और नज़दीक जाएंगे इसके। कहाँ पर यार? नीचे? नहीं नहीं नहीं, हाँ यार हाँ 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 चलो चलो आगे, थोड़ी और मिलेगी यार, ये तो कुछ नहीं है। अरे हम खींच देंगे आपकी यार, आ जाओ। फाइनली हम पहुंच गए हैं स्नो लाइन। ये देखो यार व्यू देखो, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी है। स्नो लाइन के नाम पे तो अभी स्नो तो है नहीं, बट यार व्यू अच्छा है यहाँ से यार। और देखो यार प्लेन ग्राउंड, यहाँ पर कैंपिंग करने का मज़ा आएगा। और सामने देखो पहाड़ियाँ, उफ गजब मस्त। और हमें दो साथी भी मिल गए। आपका नाम क्या है यार भैया? इशू। नाइस नाइस यार, चलो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का व्यू? चलो बस थोड़ा सा वो गाइड की वजह से आप डिसअपॉइंट हो गए, बाकी व्यू तो अच्छा है। हाँ वेट करते करते आना पड़ा आपको। चलो हाँ यार स्नो लाइन का टॉप तो यही है। हाँ वाह यार स्नो लाइन, वो रहा सामने लाका, वहाँ जाना है हमें आज और हम वहीं स्टे करेंगे, उसके बाद का बाद में देखेंगे। पर अभी तो हम मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं यार। क्या तगड़ा व्यू है यार, क्या मस्त मज़ा आया यार। इसको देखो इसकी चेहरे की आप स्माइल देख रहे हो, देखो देखो इसकी चेहरे की स्माइल। मज़ा तो हमने बहुत किया यार और मज़ा भी आ रहा है हमें। अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से अब लाका के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। और पीछे का व्यू देखो यार, सनसेट भी होने वाला है और क्या मस्त है यार, मिल दीजिए। हमें यहाँ पर दो लोग मिले और उसके बाद काफ़ी डिस्कशन की इनके साथ कि हमें क्या करना चाहिए। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है यार, 4:30 हो चुके हैं, 5 भी बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो इन्होंने हमें सजेशन दिया कि हम इधर आज कैंपिंग कर लेते हैं स्नो लाइन में ही और कल जाते हैं आगे, क्योंकि हमने इनको बताया कि हमारा थोड़ा प्लान इंद्रहार पास जाने का। इंद्रहार ये जो आपको ये टॉप दिख रहा है ना, ये इंद्रहार पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे चलना पड़ेगा, कैसे चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ जाने का अगर हम सोच रहे हैं ना, तो आज हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा
रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। तो हम अब अपना टेंट सेटअप करने वाले हैं यहाँ पर, और टेंट सेट करने के बाद हम डिनर की प्रेपरेशन करेंगे। अगर हमें इनसे भी लेना होगा तो हम इनसे बातचीत कर लेंगे, वो फिर निकलेंगे हम आगे के लिए सुबह। और आई एम सो एक्साइटेड यार, अब मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। जितना मैं फ्रस्ट्रेटेड था ना यार त्रिउंड के नाम से कि मैं त्रिउंड जा रहा हूँ और क्या करूँगा, उतना ही अब मैं एक्साइटेड हूँ यार। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जो जा रहे हैं करण और रोहन, ये दोनों एक्साइटेड है भाई कसम से। उफ, लोकेशन भाई, मतलब लोकेशन ही गजब गजब लोकेशन आ रही है यार, गजब। मतलब मेरा जो परसेप्शन था ना एक त्रिउंड ट्रैक को लेकर, वो अब थोड़ा चेंज हो गया है। और त्रिउंड जो है वो नीचे, हाँ त्रिउंड काफ़ी नीचे रह गया, ऊपर यार उफ गजब गजब भाई। आओ यहाँ पर मिल गए, ये देखो यहाँ पर अब हम टेंट लगा रहे हैं। चेहरे पे आप यार मुस्कुरान देखो, खुशी तो देख रहे हो ना, मुस्कुराहट देख लो यार, खुशी यार, उफ उफ भाई वहाँ जाना है, मजा आ जाएगा कल तो। अगर वहाँ नहीं गए ना तो कोई फायदा नहीं है, पर मैं ये तभी डालूंगा अगर हम गए। सेटअप हो गया है और यहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है इस टाइम, एकदम ठंड हो गई यार 10 मिनट के अंदर अंदर। इसने तो ग्लव्स निकाल लिए अपने, हाथों की माँ बहन हो गई भाई। हमने कैसे पैकिंग कर लिया, टोपे टूपे पहन लिए भाई। हमने डिनर वगैरह कर लिया अपना यार, सब कुछ कर लिया, टेंट वगैरह के अंदर हम आ गए हैं। अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी उठकर हम इंद्रहार पास के लिए चले जाएं। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।